हेलो एवरीवन व्यूअर्स, आज की वीडियो देखने के बाद आप जान सकेंगे कि आप किस तरह ब्लम गेम खेल करके डॉग्स टोकन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे पहले ब्लम की जानिब से अनाउंसमेंट की गई थी कि अब प्लेयर्स जो है वो ड्रॉप गेम के साथ और ब्लम पॉइंट्स के साथ डॉग्स टोकन भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्यूवर्स, वो ऑप्शन सिर्फ 1,00,000 यूज़र्स को दी गई थी जो कि 30 सेकंड तक गेम प्ले करके डॉग्स टोकन कलेक्ट कर सकते थे। अच्छा, तो अब ब्लम की जानिब से न्यू अपडेट आई है कि जितने भी एलिजिबल प्लेयर्स थे तो वो फ्राइडे तक अपने तमाम पॉइंट्स को कलेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद उसका स्नैपशॉट लिया जाएगा और 18 अक्टूबर 8 PM तक उसका टाइम है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एक न्यू एयर ड्रॉप आएगा मंडे को जिसमें 5 मिलियन यूज़र्स को ये अवार्ड मिलने वाला है, ठीक है। अब इस एयर ड्रॉप के लिए कौन से प्लेयर्स एलिजिबल होंगे? अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने एलिजिबिलिटी रूल्स में लिखा है कि जो क्वालिफाई यूज़र्स होंगे तो उनके वॉलेट जो है वो कनेक्ट होनी चाहिए और एटलीस्ट वन उस वॉलेट से एक ट्रांजेक्शन जो है आउटगोइंग ट्रांजेक्शन वो मिनिमम जो है वो होना चाहिए। और साथ में उन्होंने स्नैपशॉट का भी लिखा है कि ऑलरेडी जो एलिजिबल यूज़र्स थे तो उनका स्नैपशॉट 21 अक्टूबर को लिया जाएगा। अच्छा, तो अब मैं आया हूँ यहाँ पर वॉलेट में, ठीक है। तो आपने भी इस तरह करना है कि आपने अपने वॉलेट में आना है और यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आपका जो ब्लम है वो टन वॉलेट के साथ कनेक्ट हुआ हो। तो यहाँ पर आपको जो है अपना जो एड्रेस है कनेक्टेड वॉलेट का, वो आपको मेक श्योर करना है कि ये कनेक्टेड हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखने चाहें कि आपने वॉलेट से ट्रांजेक्शन्स हुई है या नहीं हुई है तो यहाँ से आप हिस्ट्री पर क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हुई है 10 की और इसके अलावा और भी कुछ टोकन्स हैं जिसकी ट्रांजेक्शन हुई है। तो आपने भी इस यही तरह जो है वो कुछ ना कुछ टन इसमें जो है किसी को सेंड करना है, ठीक है। तो इसके बाद आप जो है यहाँ से एलिजिबल होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डॉग्स टोकन की प्राइस की बात करें तो OKX एक्सचेंज पर इस वक्त इसकी प्राइस 0.2 PKR है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा आपने किस तरह जो है वॉलेट क्लिक करना है और किस तरह जो है उससे ट्रांजेक्शन करनी है। सो थैंक यू।